वकीलों के नुक्कड़ परिचर्चा में हम एडवोकेट दिवाकर सर के साथ हैं। तो दिवाकर सर बताएं कि अध्यक्ष पद बनारस बार एसोसिएशन में किसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं? अरे ये बनाने की बात नहीं है, समर्थन किसका हो रहा है? आप देखिए, चुनाव अध्यक्ष पद का बहुत कश्मकश का है, इसमें सतीश तिवारी भी हैं, अवधेश सिंह भी हैं, राम प्रवेश सिंह का नाम सभी लोग ले रहे हैं, नित्यानंद राय जी क्रांतिकारी का कही के हैं और अरविंद राय हैं, लेकिन नाम तो सब लोग जो है अधिकतर बहुत संख्या में हर बिरादरी वर्ग के लोग वकील कैसे लोगों को चुनते हैं, हर वर्ग के लोग राम प्रवेश का नाम ले रहे हैं। अब क्या बताया गया, बहुत कश्मकश लड़ाई है अध्यक्ष। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? कोई कमलेश सर आप बताएं। निर्णय इसलिए नहीं लिया जा पा रहा है महोदय कि आपको ये बता दिया जाए कि ये बुद्धिजीवियों का स्थान है, शिक्षित लोगों का, बुद्धिजीवियों का, इसलिए पहले से कोई चीज़ घोषणा नहीं की जाती। जो घोषणा के समय परिणाम आता है उसको लिया जाता है, और आपके पूछने का उत्तर मैं इसलिए दे रहा हूँ। आप डबल ग्रेजुएट हैं और ये अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो जनता कैसे समझेगी? तो निर्णय लेंगे, निर्णय ले आदमी अपने मन में निर्णय ले चुका है कि हमको वोट किसको करना है, लेकिन वक्त पे जब वो वोटिंग हो जाएगी और उसका जो परिणाम आएगा उस समय पता चलेगा जीतेगा। लेकिन इस समय जो चर्चे में है सारे लोग लड़ाई में बने हुए, जो आएगा जजमेंट उस पर आप जो है सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, हमारे साथ महामंत्री है, ये ठीक है, वो बन गए लोग जेल लिया हुआ, अभी ये पदेन भी है, हाँ बिजी है दूसरे जगह, क्या बताना है सर? बताइए अपना नाम बताइए, बताइए कि किसके साथ हैं, क्या करें? श्रीवास्तव एडवोकेट, अभी हम बनारस, यहाँ बनारस बार से महामंत्री का चुनाव एक बार का लड़के हार भी चुके हैं, और फोन कर यहाँ के वकील इतने तेज है भैया कि कोई नहीं बताता कौन किसके साथ है, जो जिसके मुंह पे मिल रहा है उसी के लिए बता दे रहा है, कोई खुल के किसी का प्रचार नहीं कर रहा, 10-5 लोग खुल के प्रचार कर रहे हैं, अक्षर में कोई नहीं भर रहा। लेकिन ये जान लीजिए कि विनय कुमार जायसवाल का नाम सभी लोग ले रहे हैं, इनको विजय होने से कोई रोक नहीं पाया, कोसा अध्यक्ष पे विनय कुमार जायसवाल सबसे आगे रहेंगे बनारस बार में। अच्छा, हम महामंत्री जो है हमारे ये पूर्व रहे, इस बार प्रदेन है और बड़े चर्चा में रहते हैं, ये हमारे जो है विवेक सिंह बड़े जादूगर हैं, तो आप बताएं सर, जादूगर विवेक सिंह जी क्या जादू चलाएंगे इस बार? हम लोग तो अभी धार देख रहे हैं कि कौन अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि हम तो खुद 4 साल लड़के किसी तरह से निर्वाचित हो पाए हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं लगा पाए। आप बहुत घायल हैं और जो देखा जा रहा है, जो अपने लोग हैं उनको हम लोग चुन लिया जाएगा, हमारे उपाध्यक्ष हैं देव जी, ये लोग सारे लोग जिसमें बढ़िया मिलेगा, विनय जी हैं, विनय गुप्ता जी, जसवाल जी। चर्चा में कौन कौन है अध्यक्ष के प्रत्याशी में जो लड़ाई में है? कचहरी की जो परंपरा रही है कि अभी तक तो हम लोग देखे हैं कि सेकेंडे वाला ही फर्स्ट आया है, तो पिछली बार जो सेकंड रहा रनर रहा है, इस बार जो है जीतेगा, तो कई साल से लड़ने वाले में ऐसा कौन सा नाम है जरा आप प्रकाश लाएं? अब उसी में आप जानते हैं, नाम हमसे मत लिवाइए, नहीं तो उसका भी बहुत गलत अर्थ जाता है। अच्छा। लड़ने के लिए सभी लोग बड़े ईमानदारी से बड़े भाव से लड़ रहे हैं। आप विवेक सर हमेशा हर फंक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं पूरा, और बार की मदद करते हैं, वकीलों की मदद करते हैं। इस कोटि का असली चेयरमैन हम लोग के पंडित दिवाकर दुबे जी हैं, अब उनसे आप विचार लीजिए कि उनका जो निर्णय होगा वही हम लोग उसको मानते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग चलते हैं। मतलब वकील दूसरे को सावधान करता है और अपने भी सावधान रहता है, कोई निर्णय पहले नहीं बताता कायदे से। यहाँ की परंपरा रही है, जो सीनियर कहते हैं वही जूनियर। अब हम चलते हैं ये तुंगा गुरु के पास, ये बहुत बड़े यहाँ के मठाधीश हैं और चुनाव ना लड़ाते हैं, बताइए तुंगा गुरु किस पद के लिए आप पूछ रहे हैं? अध्यक्ष के लिए। अध्यक्ष और महामंत्री दोनों बताइए, ये दोनों प्रमुख पद है, दी बनारस बार एसोसिएशन के सामने आप बैठते हैं। महामंत्री के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं प्रदीप राय के साथ मैं हूँ,
और प्रदीप राय चुनाव जीत रहे हैं, डंके की चोट पर जीत रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए ये खुल के जो है बोलने वाले तुंगा गुरु, ये हमारे बहुत बड़े मठाधीश हैं और चुनाव लड़ाते हैं और जिताते भी हैं। मठाधीश मत कहिए हमको। हाँ, हाँ। लेकिन मैं हमारे भाई रहता हूँ तो ईमानदारी के साथ रहता हूँ। हाँ, हाँ। मैं जिसके साथ तो मेरी भी प्रतिष्ठा जुड़ी है प्रदीप राय के साथ। हाँ। तो मैं सोचूंगा कि प्रदीप राय जीते या जीत रहे हैं। वाह वाह वाह। अध्यक्ष को बता दें जनता को क्या पोजीशन है। अध्यक्ष पर हमारे अभी छोटे भाई विवेक जी बताए ना कि दिवाकर भैया बड़े भाई हैं, इन्हीं पर हम लोग छोड़ दिए हैं कुछ। अब अपने मन से सब काम नहीं कर रहे, नहीं तो घाल मेल बतिया रहे हैं, उसी में कुछ मिलावट कर दी है। आप साफ साफ बात कर रहे हैं, जो प्रदीप को वोट देगा उसको जिताएंगे, जो प्रदीप को वोट देगा उसको हम जिताएंगे। वाह वाह वाह। जो आपसे कांटेक्ट कर लेगा उसकी जय बोलेंगे आप। जो प्रदीप को जिताएगा उसको हम वोट देंगे। बोलिए काशी में हर हर महादेव।